हमारे घर में ना एक बीमार है एंड पहली बार ना जिंदगी में ना ही वो मैं हूँ ना ही वो अब्बू है, वो है हमारी मम्मी जी बेचारी। अब मम्मी वो डायलॉग जो आप मेरे लिए मारते हो ना वो मैं आप पे मार सकता हूँ, ये बेचारी लूज मोशन की मारी। आय मैं क्या अजीब सा लग रहा हूँ, बट मेरे बाल बढ़ गए हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ सो कमिंग बैक टू मम्मी, तो मम्मी की स्टोरी ये है कि मम्मी जो हैं वो कुछ दवाइयाँ ले रही थी क्योंकि मम्मी को कुछ एलर्जी हो गई थी और वो दवाइयों के सेवन के कारण बेचारी को लूज मोशन हो गए हैं। बताओ। और कल के दिन मम्मी तुम मानोगे नहीं कितनी बार वॉशरूम गई है, 16। सो 1 घंटे में, 1 घंटे में तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाते एक घर घंटे आके। में 16 बार वॉशरूम। मम्मी यहाँ पे किचन में खाना बना रही हैं, अरे भाग के गई एकदम से बाथरूम में, फिर उसके बाद वापस गई, फिर किचन में गई, अरे बाथरूम में। हंस रहे हो? कल सारा दिन तो यही चलता रहा, सारा बाथरूम तो दिन। कल मम्मी ऐसे थी, खाली रखो मेरे लिए बस। अब जरा स्टोरी बस सुनाओ सबको क्या हुआ। कुछ नहीं, बस थोड़े दिन पहले हमने कहीं जाना था और मैंने डीओ डाल लिया, और डीओ से मेरे को एलर्जी होती है, मुझे पता है। लेकिन क्या होता है ना, सब लोग मेरे सामने डालते हैं तो फिर मेरा भी मन करता है कि मैं भी स्प्रे कर लूं, तो मैंने डाल लिया। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले और मेरे एकदम से इचिंग स्टार्ट हो गई, और रात तक वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरी बॉडी पे रैशेज हो गए। और मैंने घर आके सिट्राजिन ली और सो गए, लेकिन सिट्राजिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मेरी पूरी बॉडी ऐसे रैशेज से भर गई। तो मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने मेरे को जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी मैंने वो ले ली, लेकिन मुझे उससे भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और आपको पता है, जब खारिश होती है रैशेज पड़ जाते हैं, एक तो गर्मी है तो वैसे दिल घबराता है। तो मैंने डॉक्टर को फिर मैसेज करा कि मैम मेरे को तो इससे कुछ भी आराम नहीं आया, तो आप मेरे को थोड़ी सी हैवी डोज दे दो। तो उन्होंने मेरे को एक मेडिसिन और दी, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि ये वाली मेडिसिन आपने सिर्फ 3 डेज लेनी है और 9:30 पे ये मेडिसिन लेनी है डेली 3 डेज। तो मैंने क्या करा कि 3 डेज की बजाय 5 डेज ले ली, क्योंकि मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ा था। तो मैंने कहा अच्छे से आराम आ जाए, तो मैंने उसको 5 डेज कर दिया, लेकिन वो ओवरडोज हो गई क्योंकि 3 डेज खानी थी और मैंने खा ली 5 डेज, और एलर्जी भी ठीक नहीं हुई, ऊपर से पेट खराब हो गया। तो मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि जब आप किसी चीज की ओवरडोज लेते हो ना तो आपको वो दोबारा से फिर बैक हिट करती है, तो इस वजह से आपको रैशेज दोबारा हो गए। और आप मानोगे, 1 घंटे में, कल मेरे को 1 घंटे में मैंने 16 बार वॉशरूम यूज करा है। ये अनबिलीवेबल है आपके लिए, लेकिन मेरे साथ हुआ है, मुझे पता है कि वॉशरूम खाली ही नहीं हुआ किसी के लिए। मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी और इतनी ज्यादा लूज मोशन हो रहे थे कि मेरे को ना एकदम से इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई, लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैंने सोचा कि अभी मैंने एलर्जी की मेडिसिन ली है, उससे मेरे को वैसे पेट खराब हो गया, अब के लिए फिर से मेडिसिन लूं, तो मैंने इसलिए अवॉइड कर दिया। और मैंने वही घर के ओढ़ तोड़ जो करते हैं, नींबू पानी पी लिया, नमक चीनी वाला घोल पी लिया, नारियल पानी पी लिया, तो बस कल से ऐसे ही चल रहा था। लेकिन इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई कि मेरे से अब खड़े नहीं हुआ जा रहा। रात को इतनी ज्यादा टांगे दर्द हो रही थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मतलब टांगों पे ना कोई बहुत सारा भार डाल दे जिससे मेरी टांगों को रिलीफ मिले। बस यही है, ओवरडोज जो मैंने ली है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और वैसे भी हमारे घर में तो ये सब चलता ही रहता है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई चीज खराब हो जाती है और कभी कोई बीमार हो जाता है। और आज मेरी बारी है। लेट है वो, तूने तो ऑनलाइन शादी कर ली, हमें तो बताया ही नहीं तूने। जिसको कॉन्टेक्ट समझ नहीं आ रहा, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल लिया तो उसमें ऑनलाइन शादी करने का डेयर मिला था, तो मैंने वो करी, वो पता नहीं, वो उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं, हां करी जा रही थी। और उसमें तूने ऐसे रिंग भी डाल दी भाई। मैंने कहा बहू मिल गई। हाँ, मैंने कहा बहू ढूंढ ली इसने, अपने आप से मुझे बताया भी नहीं, मुझे तो आज ही पता चला। आपकी बहू ढूंढी, मेरी तो बीवी थी। हाँ तो मुझे अब पता चला ना, आपको क्यों बताना, ये क्या बात है, बहू तो मैं ही लाऊंगी। छत्तीस जाएंगे, तेरी वाली तो, मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। बेस्ट कमेंट वीडियो पे क्या था, जिसने नई वीडियो देखी उसको बताता हूँ। जीजू ने मेरे को डेयर दिया था कि एक नए मम्मी पापा ढूंढो, नए मम्मी पापा, तो किसी ने नीचे कमेंट कर रखा है जीजू से 2 साल संभल नहीं रहे इसलिए वो चाहते एक कम हो जाए।
पर ये सोच कि तेरे को कोई नहीं झेलेगा, ये तेरी मम्मी है तेरे को झेलती है। एक कमेंट और होता बहुत फनी, एक ने कमेंट कर रखा है कि ये फुकरा इंसान पिछली वीडियो में तो मोटा लग रहा है, इस वीडियो में ये 4 साल पुराना वाला फुकरा इंसान कैसे आ गया। मैं कहा वो पहले की रिकॉर्डेड थी, अब की रिकॉर्डेड में हम थैंक्स। दिलजीत दोसांझ का फैन है, अलग ही है उसकी वाइब ही अलग है। दिलजीत इज डिफरेंट मैन, वो कुछ भी करे। पहले थोड़ा सा कम दाढ़ी रखता था तब भी स्मार्ट लगता था, अब दाढ़ी बढ़ा ली, मूछे मूछे बढ़ा रखी है, वो और ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। पूरा वर्ल्ड टूर पे गया है नोनू। अरे मेरे को पता ही नहीं था कि दिलजीत का अभी 4 दिन पहले नया गाना आया है। अभी यूट्यूब पर देखा 30 मिलियन व्यूज होने वाले हैं उस पे। क्या गाना है। अच्छा मैं वो फेसबुक पे देखा है, रोज डेली पोस्ट होती है नई से नई उसकी। पूरा वर्ल्ड टूर पे गया है, मेरे को भी ले जा वर्ल्ड टूर को। राधा हो या बस चौड़ वास्ते मुझे भी घूमने जाना है। चलेंगे चलेंगे वर्ल्ड टूर पे जाना है। अब मेरे को ये डांस करते हुए देखते रहोगे। अब तो टॉवल लेके क्या कर रहे हो। नहाने जा रहा हूं, स्ट्रीम है आजकल, रोज ही स्ट्रीम हो रही है भाई। प्रोफेशनल स्ट्रीमर। मजा आ रहा है तेरे को है ना। या चल नहा के। आई लाइक स्ट्रीमिंग। मैंने मटर पनीर बनाया है पर ये नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा। इसको वैसे इतना अच्छा लगता है मटर पनीर। मैं नहीं खा सकता। मेरे को जो परसों आपने स्पेशल तेरे लिए बनाया, मेरे साथ जो आपने परसों स्कैम करा है ना, मटर पनीर के नाम पे जो मेरे को कोफ्ता खिलाया है, कोफ्ते के अंदर 2 पनीर के पीसेस डाल के, ये तो मटर पनीर है। मैंने तो नहीं बोला कि मटर पनीर है, मैंने तो पनीर किसने डाला था। आप सच सच बताओ, क्योंकि आपको भी पता है कोफ्ता ये खाएगा नहीं, उसमें 2 पनीर के पीस डाल दूंगी तो पनीर समझ के खा जाएगा। तो आज तो मटर पनीर है। ये तो लाइव स्ट्रीम पे हुआ था। अरे उस दिन का जो सदमा लगा ना, कम से कम 1-1.5 साल लगेगा अभी रिकवर होने के लिए। 1-1.5 साल बाद बनाना मटर पनीर। ये देखो इतना सुंदर दिख रहा है मटर पनीर, इतना प्यारी शक्ल, इतना एकदम मतलब कितना अच्छा लग रहा मेरा। वो परसों का सदमा नहीं रिकवर हो रहा मेरा। मेरे को नहीं खाना भाई, कोफ्ते के नाम पे भाई पनीर खिलाते हो। अब सच का पनीर रहा, कोई बात होगी ना, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया चिल्लाते रहे जब सच में आया। मेरे को भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तू सीधा सीधा कहना है कि मेरा बिल्कुल ही खाने का मन है। सैलेड भी काटा इसके लिए टमाटर, क्योंकि इसको टमाटर अच्छा लगता है। और ये मलन साहब आप तो मटर पनीर खाओगे ना। हाँ बिल्कुल, पापा तो खाएंगे। तो अच्छा लगता है, क्यों इसको अच्छा लगता है ना मटर पनीर। अच्छा हाँ, आज कह रहा है नाम पे मटर पनीर करा दिया, मेरा मटर पनीर के नाम पे कोफ्ता करा दिया। घी अच्छी होती है बॉडी के लिए बेटा। पूछो ना वो तो खाता ही नहीं, वो तो खाता ही कुछ। उसने तो मटर पनीर खाना ही नहीं है, उसके लिए भिंडी काट के रखी है। तू खा भिंडी खा ले, तूने भिंडी भी नहीं खानी। Guys, रात के बज गए 12 और आज मैं वैसे वर्कआउट मिस करने वाला था क्योंकि मैं सुबह से थक गया था। पापा ने ड्यूटी पे ड्राइवर बनाया हुआ था मुझे, और वो देखो पापा के मस्त पानी वाले शॉर्ट्स चल रहे हैं, वोडका शॉर्ट्स। आवाज तो ऐसी कर रहे थे ना पापा पानी के, पर या तो बाथरूम ही लग गया यहाँ पर। और ये देखो शाबाश, वाह मम्मी इफेक्ट दे दिया पापा ने ब्लू लाइटिंग। ठीक है तबियत, याद आ गया तुझे मेरी तबियत। कम प्रोटीन शेक पिया करो। मेरी क्यूटी मम्मी सो जाओ। लोग कहते हैं आंटी से कितना सबसे ज्यादा प्यार अभिषेक ही करता है। ओए मां चलो सो जाओ, अभी गुड नाइट सेवा करता हूं।